खान परिवार की पहली मुस्लिम बहू बनी शूरा खान। ना परिवार के दामाद हैं मुस्लिम, ना बेटों ने की मुस्लिम लड़कियों से शादी। शूरा की दोनों सास भी हैं गैर धर्म की। अरबाज खान की दूसरी शादी के साथ खान परिवार की सालों से चली आ रही परंपरा भी टूट गई है। खान परिवार में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बच्चे की शादी मुस्लिम से हुई है। शूरा खान परिवार की पहली मुस्लिम बहू बनी है। खान परिवार में आज तक किसी भी बच्चे की शादी मुस्लिम परिवार में नहीं हुई। घर के मुखिया सलीम खान ने दो शादियां की, लेकिन उनकी दोनों ही पत्नियां मुस्लिम नहीं हैं। सलीम खान की पहली शादी सलमान की मां सुशीला चरक के साथ 1964 में हुई। सुशीला चरक महाराष्ट्रियन हिंदू परिवार से हैं। साल 1981 में दूसरी शादी हेलन से की। हेलन कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार से आती हैं। परिवार के सबसे बड़े बेटे सलमान खान कुंवारे हैं, जबकि अरबाज की पहली शादी मलाइका अरोड़ा से हुई, जो पंजाबी क्रिश्चियन है। वहीं परिवार के छोटे बेटे सुहेल खान ने भी हिंदू परिवार की लड़की से शादी की। सुहेल ने 1998 में सीमा सचदेव से शादी की, वो हिंदू परिवार की बेटी हैं। खान परिवार की दोनों बेटियों ने हिंदू परिवारों में ही अपना जीवन साथी चुना। परिवार की बड़ी बेटी अलवीरा ने एक्टर और डायरेक्टर अतुल अग्निहोत्री के साथ सात फेरे लिए। वहीं परिवार की सबसे छोटी और लाडली बेटी अर्पिता ने भी हिंदुओं में शादी रचाई। अर्पिता ने आयुष शर्मा के साथ शादी की। अरबाज ने पहली बार अपने परिवार की परंपरा को बदला है और मुस्लिम शूरा के साथ निकाह किया है। फिलहाल नई बहू के आने से परिवार में खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।